हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं उस असुर को परास्त कर पाया हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, आप नट सम्राट हो। आप हम सब गंधर्वों के स्वामी हैं प्रभु। आप ही की कृपा से हम गंधर्व होकर हमें देवताओं का सम्मान मिल रहा है। गंधर्वराज, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। हम तो कह रहे थे कि आप अपनी पुत्री रूमा के विवाह का उत्तरदायित्व हमें सौंप दीजिए। समस्त वायु के अधिष्ठाता मारुत गण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमें गंधर्व लोक पहुंचने में सहायता की। ये तो हमारा सौभाग्य है जामवंत जी, जो प्रभु के इस कार्य में हम भी आपके सहयोगी बने। आपका कल्याण हो। काका, ये है गंधर्व लोक। आइए चले। रुक जाओ, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? हम गंधर्व राज पनाश से मिलने जा रहे हैं। तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। यहाँ देवों, यक्षों और गंधर्वों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। किंतु हमें बहुत ही आवश्यक कार्य है गंधर्व राज से। आप एक बार उनसे पूछ तो लीजिए। ठीक है, किंतु अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि महाराज भीतर सभी देवों को युद्ध कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आप ब्रह्मापुत्र जामवन जी है ना? आपने तो बिल्कुल ठीक पहचाना है मुझे। और आप, आपकी तो हर ओर चर्चा है। आप पवन पुत्र केसरी नंदन मारुति है ना? आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। ये हमारा और पूरे गंधर्व लोक का सौभाग्य है कि आप स्वयं यहां पधार हैं। आप दोनों का स्वागत है। आइए, आइए। हे
तो सच है कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। धरती लोक से दूसरे लोकों तक जाना, जो कार्य कोई ना कर सका उसे कर दिखाना, अवश्य ही मेरे मारुति में कुछ विशेष है, किंतु वो क्या है इसका पता मुझे लगाना ही होगा। अंजना, अब तुम ही समझाओ अपनी सखी को, ये और बाली जी किष्किंधा जाने की रट लगाए बैठे हैं। केसरी जी, आप तो देख ही रहे हैं, हम दो दिनों से यहीं पर हैं और इन दिनों हमें किष्किंधा का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मन थोड़ा चिंतित सा है और जामन जी और मारुति पता नहीं किसके पास किसकी कन्या का हाथ मांगने गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको उन्होंने कुछ बताया क्या? ये मारुति और जामन काका की सदा मिली भगत रहती है, कभी किसी को कुछ बताते ही नहीं। यही तो मैं भी कह रही हूँ, कब तक हम यूं ही प्रतीक्षा करते रहेंगे? मित्र, ये सच है वो किसी को कुछ नहीं बता के जाते, किंतु ये भी सच है कि कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, मारुति और जामवन जी ठीक से करके ही आते हैं। ये तो है। गंधर्वराज, हम किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव के लिए आपकी पुत्री रूमा का हाथ मांगने आए हैं। गंधर्वराज, सुग्रीव और रूमा के विवाह से गंधर्व और वानरों में संबंध स्थापित हो जाएंगे और आप तो जानते ही हैं, असुर देवों के शत्रु हैं, किंतु वे वानरों से सदा परास्त होते रहते हैं। इस विवाह से गंधर्वों और वानरों के मित्रता का ऐसा सेतु बनेगा जिसे असुर क्या कोई भी हिला नहीं पाएगा। ऐसा ही होगा देवराज, आप जिससे कहेंगे मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देख रही हूँ एक ऐसा समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जिसे सुनोगी तो उछल पड़ोगी। क्या हुआ शुभ्रा, बता दूँ? क्यों सता रही हो, जाओ, नहीं बोलती मैं तुमसे। तो ठीक है, मत बोलो। मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह के बारे में किसी से बात कर रहे थे, और ये भी नहीं बताऊंगी कि पृथ्वी लोक से उसी राजकुमार सुग्रीव से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है। अरे सुनो, सच बताओ, कहीं तुम मेरे साथ परिहास तो नहीं कर रही ना? सच में अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, सच बताओ, बताओ। रूमा, पृथ्वी लोक से ऋक्ष श्रेष्ठ जामवंत और पवन पुत्र हनुमान आए हैं तुम्हारे लिए किष्किंधा की राजकुमार सुग्रीव का प्रस्ताव लेकर। शुभ्रा,
सिद्धिका, आज तो कहीं मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। क्या करूं? कहां जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है मुझे? अरे रोमा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ। अच्छा सुनो, धरती लोक से विशेष अतिथि आए हैं, जाओ और उनके जलपान की व्यवस्था कर दो। देखा, अब तो विश्वास हुआ कि हम सच कह रहे थे। काका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विवाह प्रस्ताव पर गंधर्व राज एकाएक चुप क्यों हो गए? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मारुति, माता पिता के लिए अपनी संतान का, विशेषकर अपनी पुत्री के विवाह का निर्णय लेना इतना सहज नहीं होता है। बहुत कुछ सोच विचार करना पड़ता है। तुम इतने अधीर मत हो, वो शीघ्र ही कोई न कोई उत्तर देंगे। हाँ, उनके हाव भाव से तो मुझे किसी अनिष्ट की आशंका लग रही है। देवी कहीं आप? मैं रूमा हूँ, गंधर्व राज की पुत्री। रूमा देवी, हम तो कब से आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे। आपके दर्शन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप दोनों के लिए जलपान लाई हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। काका, बहुत ही रुचिकर है यहाँ का फल, अद्भुत स्वाद है इन सबका। अच्छा हुआ जो आपको यहाँ के फल रुचिकर लगे, हम तो यही सोचते थे कि पृथ्वी लोक के फल अधिक रुचिकर है। देवी, पृथ्वी लोक में भी भूदेवी के गर्भ से वृक्ष उगते हैं, इसीलिए वहाँ के फल बहुत ही रुचिकर होते हैं, विशेष रूप से किष्किंधा के फल। रूमा जी, आपके पिताजी के मन में न जाने क्या है, किंतु मुझे आपके मन में क्या चल रहा है ये भी तो जानना होगा। देवी, आपके गंधर्व लोक में भी वृक्ष उत्पन्न होते होंगे, वहाँ भी फल लगते होंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर भी उपवन है। तो हमें दिखाइए ना, हमने तो अभी तक गंधर्व लोक ठीक से देखा भी नहीं है। आइए, मैं आपको गंधर्व लोक का भ्रमण कराती हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। काका,
ठीक से भोजन तो कर लीजिए, हम आपको बाद में भ्रमण कराएंगे। चलिए देवी चलिए। प्रभु, आप रूमा के मन की बात जानना चाहते हैं? मेरे सामने तो वो कुछ बोलेगी नहीं और आपको बच्चा समझकर सब कुछ बता देगी। ठीक है प्रभु, बच्चा होने का लाभ तो आपको मिलेगा ही। विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप, सुग्रीव और रोमा के विवाह को रोकने का प्रयास, यह आप अनुचित कर रहे हैं देवराज। इससे भगवान विष्णु ने जिस कार्य हेतु रामावतार धारण किया है उसमें बाधा आएगी, और यह आप मत भूलिए कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं रुद्र अवतार हनुमान प्रयासरत हैं। देवी, आपको तो ये ज्ञात हो ही गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सुग्रीव जी हमारे काका हैं। वे जितने सरल स्वभाव के हैं उतने ही बड़े विष्णु भक्त भी हैं। सुग्रीव काका दया की प्रतिमूर्ति हैं। विनम्र स्वभाव के साथ ही पराक्रमी भी हैं वे। सच्ची कहूँ तो सर्वगुण संपन्न है हमारे सुग्रीव काका। सुग्रीव के विवाह होने का अर्थ है हमारे पुत्र के साथ अनहोनी, हमारे पुत्र की मृत्यु। एक पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए क्या नहीं करते, इसीलिए हम पनाश की पुत्री रूमा का विवाह सुग्रीव के साथ कभी होने ही नहीं देंगे। होने को कोई नहीं टाल पाएगा देवी। मैंने आपको सुग्रीव काका के बारे में इतना सब बताया किंतु आप कुछ नहीं बोली। आपको वो कैसे लगे? वो आपने बताया नहीं, आपको हमारा गंधर्व लोक कैसा लगा? रूमा जी, आप मुंह से भले ही कुछ ना बोलें, किंतु हम आपके हाव भाव से जान गए हैं कि आपके मन में सुग्रीव जी के लिए प्रेम है। अब हमें इस विवाह को कराने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका और सुग्रीव जी का विवाह निश्चित है। विधाता ने ये विवाह निश्चित किया है, फिर आप इसे कैसे रोक सकते हैं इंद्रदेव? विधाता के विधान को ही बदल देंगे हम। देवों के राजा हैं हम, हमने ये ठान लिया है कि अब सुग्रीव ना तो विवाह कर सकेगा और ना ही वो राम की सेना का सेनापति बनने के योग्य होगा। फिर भी यदि हमें हमारे पुत्र के प्राणों पर कोई संकट दिखाई दिया तो हम सुग्रीव के जीवन को ही समाप्त कर देंगे। देवगुरु, मंधार के विवाह के पुरोहित आप होंगे। अब आप ज्योतिष गणना के द्वारा मंधार के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। देवराज, मैं तो अपनी पुत्री के विवाह का अधिकार आपको सौंप ही चुका हूं। तो ठीक है, कल पुष्य नक्षत्र की मंगल बेला पर आपकी पुत्री रूमा और मंधार का विवाह होगा। मैं ये विवाह नहीं करूंगी।